जय केदारनाथ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं सुशील और आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केदारनाथ यात्रा से जुड़ी बहुत सारी अपडेटों के बारे में। बेसिकली आप सभी को बता दूं, जो भी भाई केदारनाथ की यात्रा पर जाने वाले थे या फिर जाने की सोच रहे थे, उन सभी को ये खबर थी कि केदारनाथ की यात्रा 2 दिन से रोकी हुई है। अब जो केदारनाथ की यात्रा है फिर से पूर्ण आरंभ कर दी गई है और जो भी भाई केदारनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। आप सभी को बता दूं, जो सीतापुर, सोनप्रयाग साथ के साथ गौरीकुंड जो भी व्यक्ति रोके हुए थे केदारनाथ यात्रा पर जाने के लिए, उन सभी को छोड़ दिया गया है और वो सभी ट्रैकिंग के माध्यम से साथ के साथ हेलीकॉप्टर के माध्यम से केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं। और इसके लिए मैं आप सभी को बता दूं, ये आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि केदारनाथ यात्रा फिर से स्टार्ट हो गई है। और आप सभी को बता दूं कि केदारनाथ का जो टेम्परेचर है, वेदर है, वो किस तरीके का है। आप सभी अगर केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हो तो क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए। बेसिकली केदारनाथ की यात्रा पर जो व्यक्ति जा रहे हैं, अभी बता दूँ केदारनाथ का टेम्परेचर माइनस में चल रहा है, जो कि -3 से लेकर -4 के आसपास है। जो भी भाई केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं वो गर्म कपड़े अपने साथ लेके जाएं, साथ के साथ हो सके तो अपने साथ ट्रैकिंग शूज लेके जाएं, क्योंकि बारिश का मौसम वहां अभी भी बना हुआ है और बारिश होना वहां पे एक छोटी सी बात है। अगर आप ट्रैकिंग करते हो उस टाइम अगर आपके शूज़ गीले हो जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ठंड लग सकती है। तो आप सभी को सजेस्ट करना चाहूँगा कि अपने साथ ट्रैकिंग शूज़ लेके जाएं। इसी के साथ साथ आप सभी को बताना चाहूँगा, बद्रीनाथ का टेम्परेचर भी माइनस में चल रहा है, जो कि -5 चल रहा है। बद्रीनाथ के जो पर्वत हैं, नारायण पर्वत और नीलकंठ पर्वत, इन पे दोनों पे स्नोफॉल हुई है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ का टेम्परेचर भी माइनस में पहुँच चुका है। और आप सभी को बता दूँ, इसी के साथ हेमकुंड साहिब में भी स्नोफॉल देखने को मिली है और हेमकुंड साहिब का भी टेम्परेचर -9 है। जो भी भाई हेमकुंड साहिब जाना चाहता है या फिर बद्रीनाथ या फिर केदारनाथ, तो अपनी सावधानियां बरतें, अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लेके जाए। और आप सभी को बता दूं, कल केदारनाथ की यात्रा पर जो भी व्यक्ति गए थे उन सभी को मैं काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि बारिश के साथ साथ काफ़ी स्नोफॉल भी देखने को मिली थी और ऊपर जो व्यक्ति रुके थे 8000 लोग, उनको भी पैदल के माध्यम से आराम से निकाला गया था नीचे के लिए। और आप सभी को बताना चाहूँगा सबसे बड़ी खबर, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी भाई केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं उन्हें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि वो ट्रैकिंग को आराम आराम से करें, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो ट्रैकिंग जल्दबाजी में करते हैं, जिसके कारण बहुत से लोगों की जान जा रही है। कल 24 घंटे के अंदर 4 लोगों की मौत हो गई, जो कि उनकी हृदय गति रुकने की वजह से हुई है। अगर जो भी ट्रैकिंग कर रहा है आराम आराम से ट्रैकिंग करें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेडिकल प्रॉब्लम है तो प्लीज़ ट्रैकिंग ना करें। जिनकी 50 से ज़्यादा है वो अपना मेडिकल चेकअप कराने के बाद यात्रा करें, विदाउट मेडिकल चेकअप यात्रा ना करें, नहीं तो उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और आप सभी को बताना चाहूँगा, जो भी भाई चारधाम की यात्रा कर रहे थे, जैसे कि यमुनोत्री की यात्रा, तो यमुनोत्री की यात्रा भी कल रोकी गई थी, क्योंकि यमुनोत्री की यात्रा पर भी काफ़ी बारिश होने की वजह से और काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। जो भी जानकी चट्टी तक लोग गए थे, जानकी चट्टी से लोगों को वापस भेजा जा रहा था और वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक होने की वजह से वहाँ पे लोग फंसे हुए थे। और 12 बजे के बाद यमुनोत्री यात्रा पे जो लोग ऊपर गए थे उन्हें नीचे उतारा जा रहा था, कम से कम 5 से 6 हज़ार लोगों को नीचे उतारा गया और वापस भेजा गया, जिसके कारण मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर बारिश हो रही है कहीं भी तो आपको अपनी यात्रा थोड़ी रोक देनी चाहिए और आराम से यात्रा करनी चाहिए। और मैंने आप सभी को आज की सारी खुशखबरी दी है। सबसे बड़ी खुशखबरी यह थी कि केदारनाथ की यात्रा फिर से चालू हो चुकी है, फिर से केदारनाथ की यात्रा पर सब जा सकते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और आप सभी को ये न्यूज़ कैसी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, जय श्री केदारनाथ। केदारनाथ जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें और आप सभी को बहुत प्यारे दर्शन दें। बाय, टेक केयर।